हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल कंट्री स्टाइल डक करी। हाँ, आपने सही सुना, डक करी। आगे मैं बतख की प्रॉपर सफाई कैसे करते हैं दिखाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो परेशान करे तो 1.5 मिनट का वीडियो आगे फॉरवर्ड करके देखिएगा, रेसिपी आगे मिलेगी। बतख का गोश्त काफी गर्म माना जाता है, इसीलिए ये सर्दियों के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले इसको साफ कैसे करना है देख लेते हैं। गर्म पानी में डुबोकर इसके पर निकालने के बाद इस पर हल्दी का घोल अच्छे से मल लेंगे। 1 चम्मच हल्दी में 2 टेबलस्पून के करीब पानी मिलाकर हल्दी का घोल तैयार कर लेंगे और इसे बतख के स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर दुकान पर ना ये सब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पर निकालकर पीसेस करके दे देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको ना घर पर ऐसे ही मंगवा लिया। इसको सारा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर पीसेस के लिए भिजवा दूंगी। हल्दी को अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर बतख को इस तरह से आंच पर जला लेंगे। पिलट पिलट कर सारे बतख को अच्छे से जला लेंगे। जलाना मतलब ये नहीं है कि सारा काला कर दिया जाए। हल्दी लगाकर इस तरह से आग दिखाने से क्या होगा, एक तो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है और आग ना फेदर्स निकालने के बाद जो छोटे छोटे बाल बच जाते हैं उसे अच्छे से जला देती है। ये देखिए, इसके छोटे छोटे बाल जल चुके हैं। अब चाकू लेकर इसे अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे। बतख की हड्डी काफी सख्त होगी, इसे आप घर पर पीसेस नहीं कर पाएंगे। बेटर रहेगा आप इसे बुचर से ही पीसेस करवा ले। ये देखिए, मैंने चाकू और हेयर प्लकर की मदद से इसे अच्छे से साफ करके पानी से धो लिया है। चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। एकदम रेगुलर बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे। इसे मैरिनेट करने के लिए 1/2 कप दही, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1/2 घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसका वजन करीब 1 किलोग्राम है। इसे गलने में बहुत समय लगा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बतख साफ करने के बाद 650 से 700 ग्राम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक खुले भगोने में करीब 6 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें 5-6 लौंग और 2 इंच दालचीनी और 200 ग्राम स्लाइस कट की हुई प्याज डालकर प्याज को तेल में नरम और हल्का सा लाल होने तक 2 मिनट ढककर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। प्याज हल्की सी लाल हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी खुशबू आने तक इसे भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2-3 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर और मैरिनेट किया हुआ डक। अब 5 मिनट लगाकर पीसेस को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 पाव कप नारियल का पेस्ट। इसे भी 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छे से मसालों को भूनेंगे सालन बनने के बाद, उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 2-3 कप पानी। अब इसको ढक कर आराम से गोश्त के गलने तक पका लेंगे। पहले 5-7 मिनट फ्लेम हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम करके आराम से पकने देंगे। 1/2-1 घंटा समय लगेगा। अगर बीच में पानी खत्म हो जाए तो 1-2 कप गर्म पानी और ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें जाएंगे दूसरे सूखे मसाले। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून नींबू का रस। गोश्त गल चुका है, बस और 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे ढककर पकने देंगे ताकि जो पाउडर्ड मसाले ऐड किए हैं वो ग्रेवी में अपना फ्लेवर अच्छे से दे पाए। अब आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर फ्लेम बंद कर देंगे। डक करी बहुत मजे का बनता है।
हाँ, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कुकर यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चावल, फ्राइड राइस, रोटी, नान, बन किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी विंटर स्पेशल कंट्री स्टाइल डक करी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।